हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फोर क्लास सिक्स, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज और उसके प्रकार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। परिचय में देखिए, तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं, यानी जो त्रिभुज होता है उसकी तीन भुजाएं होती हैं, नंबर वन, नंबर टू और ये हो गई नंबर थ्री। यह तीन असंरेख बिंदुओं को जोड़ने से बनता है और इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहा जाता है। यानी ये जो बिंदु होते हैं, देखिए ये जो त्रिभुज होती है ये जो है बिंदुओं के जो है जोड़ने से बनता है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इनको जोड़ दिया तो क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। और ये जो होते हैं ना, ये ए बिंदु हो गया, ये बी, ए, सी, इनको क्या कहेंगे, इनको हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है, सिरा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम शीर्ष कहेंगे। कोण दो भुजाओं के बीच बनता है। अब यहाँ पे ये दो बिंदु जुड़े तो यहाँ पे ये जुड़ने से ये जो बना ये क्या कहलाता है, ये कोण कहलाता है। तो दो भुजाओं के बीच जो है वो क्या बनता है, कोण बनता है। इसलिए त्रिभुज के जो है कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीन ही त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। उसके बाद देखिए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण कितने के होंगे, ये कुल जो है तीनों कोणों का योग वो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, देखिए ए बी सी ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, तो इसको हम ऐसे ऐसे जो है बना के और ए बी सी ऐसे जो है इसको हम दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शीर्ष है। शीर्ष क्या है, शीर्ष ए बी सी ये क्या है, ये शीर्ष हैं। कोण क्या हो जाएंगे, कोण देखिए, कोण ए, कोण बी, उसके बाद है कोण सी, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों क्या हो गए, ये जो है कोण हो गए ए बी सी। और उसके बाद भुजाएं कौन सी होंगी, भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, ये क्या हो गई, तीन जो हैं भुजाएं हो गई। अब कुछ जनरल प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण भी आपको दिए गए हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण में सेट स्क्वेयर है जो आपकी ज्योमेट्री में ऐसा होता है, ठीक है, नाचोस है और हैंगर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके जो है उदाहरण हो जाएंगे दैनिक जीवन के। उसके बाद देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कितने भागों में बांट सकते हैं, भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, विषमबाहु, बाहु का मतलब भुजा, विषम का मतलब जो समान नहीं है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर भुजाएं जो हैं वो तीनों की लंबाई अलग अलग माप की हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये अलग होगी, मान लीजिए अगर हम मान के चलें तो ये 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये क्या हो गई, तीनों की लंबाई अलग अलग हो गई, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगी। उसके बाद है सम द्विबाहु, यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं उसको हम सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये वाली और ये वाली दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है समबाहु, फिर से नाम से पता चल रहा है ना बच्चों, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। सो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो हमने अभी पढ़ लिया ना, एक तो विषमबाहु तीनों अलग अलग, सम द्विबाहु दो समान, समबाहु तीनों समान। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं वो हम करेंगे।
नंबर एक है न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होती है जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो। न्यून का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यूनकोण कहलाते हैं। तो ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे उसे हम न्यूनकोण कहते हैं। और वो त्रिभुज क्या कहलाती है, वो न्यूनकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाली त्रिभुज है, इसके अंदर ये कोण 40 डिग्री का, ये 75 डिग्री का और ये 65 डिग्री का। तो ये तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज हो गई। उसके बाद देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक का मतलब क्या है, यानी एक त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण होता है। जैसे इसके अंदर एक जो है वो 110 डिग्री का है, ये 30 का हो गया, ये 40 का हो गया। तीनों कोणों का योग तो 180 रहना चाहिए ना, तो इसीलिए ये क्या होगी, ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। तीसरी है समकोण त्रिभुज। सम का मतलब क्या है, समकोण का मतलब यानी एक जो कोण है वो समकोण यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये कोण जो है ये क्या हो गया, 90 डिग्री का, बाकी एक 60 का एक 30 का हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक समकोण कहलाएगा जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कोण के आधार पर न्यून कोण जिसके सारे कोण 90 से कम हो, अधिक कोण जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, 180 तो ऐसे हो जाएगा ना, तो 180 से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। समकोण जिसमें एक 90 का हो। अब हम इसी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कोण और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार आपको पहचान करने हैं। ए दिया गया है आपको 30 डिग्री, 97 डिग्री और 53 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप अगर त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज आपका जो है कुछ ऐसे बन जाएगा। एक कोण इसमें 97 का है तो ये जो है कुछ ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो ये कोण आपका कितने का हो जाएगा, 97 का। एक कोण आपका मान लीजिए 30 का है, एक कोण 53 का है, ऐसे लिख देंगे। और इसमें के इसके अंदर देखिए एक कोण जो है वो 90 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, आप आंसर में ऐसे त्रिभुज बना के, ये तो हमने रफली बनाया है, आप जब इसको अच्छे से बनाओगे कोण माप के तो ये बहुत ही एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, नंबर एक कोण के आधार पर लिख दिया, अधिक कोण त्रिभुज ऐसे लिखेंगे कॉपी के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज एक एक करेंगे हम, साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि हमें क्लियर करना पड़ेगा। नंबर दो इसके बारे में आप लिख देंगे, ये एक विषम बाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, कैसा रहेगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी भुजाएं जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है, तो ये जो है आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम इसको आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिए। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड बी आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसके आधार पर आपको ये जो है बताना है। तो देखिए अगर हम इसको देखें 3, 4 और 7 सेंटीमीटर तो ये त्रिभुज जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज तभी बन सकती है जब उसकी दो भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं का जोड़ जो है वो तीसरी से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 3 7 हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसलिए ये भुजा जो है ये त्रिभुज बन नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इसको रफली ड्रॉ करते हो तो आप इसको बना सकते हो, और ये जो है एक विषम बाहु त्रिभुज। अगर आप रफली बना के लिखना चाहो तो आप जो है इसमें रफली बना के लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके और आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो विषम बाहु। ठीक है, आप इसको लिख देंगे विषम बाहु। ठीक है बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज ये आप लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज संभव नहीं है। आप लिख दीजिए ये त्रिभुज संभव नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। बस ये आपका जो है दो का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, रफली आप इसको बनाओगे तो विषम बाहु होगा, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं ये त्रिभुज संभव नहीं है, दोनों भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर सी दिया गया है आपको, इसको हम क्लियर करेंगे, 64 डिग्री, 28 डिग्री और 88 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये बच्चों न्यून कोण है, तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे करके और ऐसे बनेगी। ठीक है, इसके अंदर आप लिख देंगे न्यून कोण, कैसी है ये न्यून कोण त्रिभुज है, और साथ में कैसी रहेगी, न्यून कोण के साथ ये विषम बाहु रहेगी। क्लियर है, ये कैसी रहेगी बच्चों, ये विषम बाहु रहेगी, ये आप इसमें आंसर लिख देंगे, ये आपका सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर डी दिया गया है 143 डिग्री, 25 डिग्री और 12 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 143 डिग्री ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो गया, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गई।
ठीक है, अधिकोण और विषम बाहु हो जाएगी। तो इसको हम करेंगे, नंबर डी है तो आप लिख देंगे अधिकोण कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे अधिकोण, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो कोण होगा आपका अधिकोण ये 143 डिग्री का रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक कोण जो है 12 डिग्री का हो जाएगा, कोई भी जो आप मेजर करके बनाओगे ना तो एक्जेक्ट बनेगा। तो ये आपकी हो गई अधिकोण, अधिकोण और साथ में क्या लिख देंगे विषम बाहु, साथ में लिख देंगे आप विषम बाहु, ठीक है, ये आप जो है लिख दीजिए, क्लियर। ये आपका डी का आंसर हो गया। ई में देखिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तीनों ही जो है क्या है भुजाएं जो है वो बराबर हैं, तो ये समबाहु हो गई। हमने पढ़ा था तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगी, समबाहु। तो ई का आंसर आप लिखेंगे तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इस तरह से बना दीजिए, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण, न्यून कोण और आपका हो जाएगा ये समबाहु, ठीक है बेटा, समबाहु हो जाएगा और न्यून कोण हो जाएगा, ये आपका ई का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एफ, देखिए 45 डिग्री दोनों 45 के हैं और एक 90 का है, हमने पढ़ा था एक 90 का होते ही समकोण त्रिभुज हो जाएगी, तो एफ का आंसर करेंगे तो ये आपका जो है एक 90 का होगा और ऐसे, तो ये आपका जो है 90 का हो जाएगा, एक आपका 45 का, ये भी आपका 45 का होगा और ये भी 45 का, क्योंकि कुल जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। कॉपी में साथ साथ लिखेंगे समकोण और ये क्या हो जाएगा आपका जो है सम। अब देखिए इसके अंदर दो भुजाएं जो है वो बराबर रहेंगी, क्लियर है, ये वाली और ये वाली भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो ये सम द्विबाहु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु, जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होंगी, समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसे आप लिख देंगे त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।